लास्ट सेशन के अंदर हमने टेबल के कुछ एडिशनल फीचर्स देखे, ठीक है, और साथ ही साथ एक शॉर्ट टेबल से एक लॉन्ग टेबल किस तरह से जनरेट होती है, कुछ एट्रीब्यूट्स देखे, उसमें सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगाई। नाउ कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं कि हम टेबल पे फर्दर किस तरह से एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स लगाकर उसे मजीद मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा कमिटेड एरिया है, ऑल दो हम जानते हैं कि कमिटेड एरिया क्या होता है और कमिट क्यों किया जाता है प्रोग्राम के अंदर, और इस पर हमने सेपरेट काम भी किया है प्रीवियस सेशन के अंदर। तो टेबल बनाने के लिए आप क्या करते हो, टेबल का एक टैग बनाते हो और टेबल के टैग को क्लोज करते हो, नाउ उसके बाद जितना डेटा होता है हमारा वो टीआर के टैग के अंदर होता है, विच मीन टेबल रॉ, ओके, और इस टेबल रॉ के अंदर फर्दर टेबल डेटा होता है एज लाइक दिस, ओके। तो इस टेबल डेटा के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ डेटा वन, और इसी टेबल डेटा को मैं करता हूँ कॉपी यहाँ से, और कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं, देन फर्दर पेस्ट एंड फाइनली फर्दर, और कंट्रोल एस करता हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं प्रीव्यू देखूँगा इसका। सो ये प्रीव्यू जो है वो इसका वेब ब्राउज़र जो कि अभी मैंने चूज़ किया है क्रोम, उसके अंदर अपेयर हो गया है। ये आप देख रहे हो टेबल डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। फर्दर चीज़ें नहीं आनी चाहिए, उस चीज़ को मुझे देखना होगा वो क्यों आ रही हैं। ये कैंसिल हो गया था, लिहाजा मैं दोबारा ओपन करता हूँ। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर हम काम कर रहे थे, ठीक है। सी एस एस का पार्ट है, हम उसे भी कमेंट कर देते हैं, स्लैश स्टैटिक, और स्टैटिक स्लैश, ओके। सी एस एस में कमेंट करने का तरीका ये होता है कि जब आप मल्टी लाइन कमेंट करते हैं सी एस एस के अंदर, तो जहां पर आपने सी एस एस का कोड लिखा हुआ है वहां पर स्लैश स्टैटिक से स्टार्ट करेंगे और स्टैटिक स्लैश से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जिस तरह हम एच टी एम एल पे कमेंट करने का तरीका देख रहे थे, एंगल ब्रैकेट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन टू टाइम डैश, और वो टू टाइम डैश स्टार्टिंग था एज लाइक हेयर, और जहां पर हम क्लोज कर रहे थे वहां पर टू टाइम डैश लिखने के बाद क्या करते थे, एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देते जैसे कि यहां पर किया गया है। लिहाजा मैं कंट्रोल एस करता हूं और क्रोम पे लेके जाते हैं, ऑल्दो टेबल डेटा यहां पर एक शो है, ठीक है। अब इसमें क्या एनहेंसमेंट की जा सकती है वो चीज़ हमें देखनी है, लिहाजा मैं चाह रहा हूँ अब टेबल हेडिंग बनाना और साथ ही साथ फर्दर एट्रीब्यूट लगाना। लिहाजा इस चीज़ के लिए मैं इस टी आर के पूरे डेटा को कॉपी करता हूँ और इस टेबल के बाद और पहले वाले टी आर से पहले पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर टेबल डेटा का टैग मौजूद है, इसकी जगह मैं बनाता हूँ टी एच विच मीन टेबल हेडिंग, और इस वक्त पहले टैग को मैंने एम्प्टी रखा है। नाउ दूसरा टैग, और इसके अंदर मैं अभी डमी तौर पर लिखता हूँ हेडिंग वन, ओके, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट पेस्ट, तो हेडिंग टू, उसको एम्प्टी रखने की क्या वजह है, जब हम प्रीव्यू में जाएंगे तो वहाँ पर बात समझ में आएगी कि मैंने उसे एम्प्टी क्यों रखा है अभी, ठीक है। और जिस रिस्पेक्ट से मैंने हेडिंग बनाई है उसी रिस्पेक्ट से यहाँ पर डेटा भी मौजूद है। कंट्रोल एस करता हूँ, एस करने के बाद प्रीव्यू दोबारा चेक करता हूँ, पेज को रिफ्रेश किया मैंने, तो आप देख रहे हो ये तीन हेडिंग यहाँ पर आ रही है लेकिन डेटा एक ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मुझे अपने हेडिंग के रिस्पेक्ट से चीज़ों को एडजस्ट करना है, लिहाजा पहले वाले टी डी को यहाँ से हटा देता हूँ, सही है, ये टी डी हट गया यहाँ से, कंट्रोल एस किया और दोबारा प्रीव्यू पर आऊँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा। अब आप देख रहे हो कि हेडिंग एडजस्ट हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हेडिंग मैंने यहाँ पर एम्प्टी की है और ये डेटा एम्प्टी किया है, इसकी वजह ये है कि जब बाज दफ़ा आप क्या करते हो कि हेडिंग जो है इस रिस्पेक्ट से बनाते हो और साथ ही साथ इस रिस्पेक्ट से भी बनाते हो, यानी वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली भी बनाते हो, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना होता है कि जब मैंने पहला टी आर का टैग लिया और वहाँ पर टी एच मल्टीपल टाइम लिए हैं, तो पहले वाले टी एच को क्या रखा मैंने, एम्प्टी रखा है एज लाइक दिस कोड, सही है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर टी डी को एम्प्टी किया तो वो दोनों की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। लिहाजा अगर मैं इस टी डी की जगह टी एच यूज़ कर लूँ तो अब क्या होगा, पहले हॉरिजेंटली हेडिंग बन रहा था, अब वर्टिकली हेडिंग को मैं जनरेट करना चाह रहा हूँ।
लिहाजा यहां पर टी एच को एम टी इसलिए रखा था कि जो लेफ्ट साइड पर पहली हेडिंग है वहां पर कुछ भी ना आए, क्योंकि उसी हॉरिजेंटल के नीचे से मुझे वर्टिकल हेडिंग शुरू करनी है, सही है। तो इस चीज के लिए मैंने इस पी आर के अंदर हेडिंग रख लिया और इसका नाम रख दिया हेडिंग, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। आपका जो डेटा होगा जो आपको वहां पर लिखना है आप तो वहीं लिखेंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वो वर्टिकल हेडिंग लिखा है। कंट्रोल एस प्रेस करके वेब ब्राउजर पे आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा और अब आप देख रहे हो कि ये वर्टिकल हेडिंग यहां पर आ रही है और हॉरिजॉन्टल हेडिंग ये जा रही है। इज इट क्लियर? अब जितने वर्टिकल हेडिंग की जरूरत होगी वो मैं बार बार कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा। इसकी वजह ये कि ये देखो ये एरिया एम्प्टी इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर मुझे कोई डेटा चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। इसको हम अभी मोर प्रैक्टिकल देखते हैं। डेटा मैंने यहां पर लिखा था, मजीद इसमें इन्हेंसमेंट करता हूं इस टी आर के सेल को, यानी पूरे डेटा को मैंने कॉपी किया। नाउ दोबारा पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया, दोबारा पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया, दोबारा पेस्ट किया, ऑलमोस्ट 4 डेटा है मेरा जो कि यहां पर वर्टिकली डेटा के साथ मौजूद है। कंट्रोल एस प्रेस करके ब्राउजर पर आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक सेपरेट टेबल यहां पर मौजूद है। मैं इसे जूम भी कर देता हूं, तो आप यहां पर देख रहे हो कि एक सेपरेट टेबल यहां पर मौजूद है। ऑल्दो ये जो डेटा है डेटा वन ये मेरा एक्चुअल डेटा है और हेडिंग आप डिफॉल्ट तौर पे देख रहे हो कि इस वक्त बोल्ड है, लिहाजा आप इसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा एक कंप्लीट टेबल यहां पर जनरेट हुआ है ये एक टेम्पलेट्स है जहां पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक डेटा को एक्सचेंज करेंगे, जो रिक्वायर्ड डेटा वहां पर है और उसके मुताबिक आप एक बेसिक टेबल विथ हेडिंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू रीड सम एडिशनल एट्रीब्यूट ऑन टेबल। तो सबसे पहली चीज हमने देखी थी बॉर्डर, तो 3 विच मीन 3 पिक्सल्स बॉर्डर, तो जितनी टेबल का डेटा है वो टेबल पर आ जाएगा बॉर्डर के साथ। तो रिफ्रेश करता हूं पेज को, एक मिनट। ठीक है, तो रिफ्रेश नहीं हुआ था, दोबारा मैंने रिफ्रेश किया पेज को, तो ये देख रहे हैं आप टेबल जनरेट हो चुकी है। इसी तरह आप चाहें तो बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप दोबारा स्पेस प्रेस करेंगे और यहां पर आप देख रहे हो बीजी कलर, तो मैंने यहां से बीजी कलर चूज किया और फॉर एग्जाम्पल विच मीन बैकग्राउंड कलर, इमेज भी आएगा बिल्कुल वो बैकग्राउंड के अंदर मौजूद है। कंट्रोल एस, वो फॉर्म पे वो मैं बता चुका हूँ, आप फॉर्म के जो हमारा बॉडी टैग है बॉडी टैग के अंदर जाएं, वहां पर बीजी कलर अप्लाई कर दें, पूरे फॉर्म का कलर चेंज हो जाएगा। अभी हम हेडिंग देख रहे हैं लिहाजा मैंने यहाँ पर बीजी कलर टेबल के एट्रीब्यूट के एडिशनल टैग पर लगाया, लिहाजा जो इफेक्ट आ रहा है वो टेबल पर आ रहा है। इसी तरह आप मजीद आगे चलें तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड पे आएंगे तो ब्राउज का ऑप्शन है, विच मीन यहाँ से आप इमेज ब्राउज कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं पिक्चर्स पे आता हूँ कि यहाँ पर कोई पिक्चर मौजूद है या नहीं, तो पिक्चर कोई, ये मैंने एक पिक्चर ले ली और यस प्रेस किया, सेव, तो सी डॉट जेपैक के नाम से एक इमेज मौजूद थी वो मैंने चूज किया है अपनी मशीन से। कंट्रोल एस करके ब्राउजर पे दोबारा आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा और आप देख रहे हैं कि इमेज पूरे टेबल के बैकग्राउंड पे एडजस्ट हो चुकी है क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी ब्लैक है, यही वजह है कि वो डेटा इस वक्त नहीं दिख रहा है, ठीक है, इमेज की वजह से। किसका कलर? टेक्स्ट का, हाँ टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो जाएगा। ऑल्दो हम चलते हैं यहाँ पर फर्दर चीज़ों की तरफ, तो बीजी कलर के बाद बॉर्डर कलर यहाँ पर मौजूद है, आप चाहें तो जो टेबल के बॉर्डर्स आ रहे हैं उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, तो मैंने बॉर्डर कलर को यहाँ से रेड किया। कंट्रोल एस, ठीक है, और बॉर्डर का कलर रेड हो चुका है, ठीक है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर ले लें, कोई इशू नहीं। इसी तरह मैं इमेज को हटा देता हूँ, मुझे इमेज बेहतर नहीं लग रही है, ऑल्दो हमने मेथड देख लिया है यहाँ पर कि इमेज हम किस तरह से अप्लाई करते हैं क्योंकि फर्दर चीज़ें वो हमें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। कंट्रोल एस प्रेस करके दोबारा वापस चलते हैं, बैकग्राउंड ऑलरेडी एडजस्ट है तो वो बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर दिख रहा है। नाउ सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग यहाँ पर बड़ा अहम किरदार अदा करता है, वो क्या चीज़ है, तो इस वक्त आप देख रहे हो कि सेल के अंदर जो गैप है
वो यहाँ पर बिल्कुल फिक्स है, इसी तरह यहाँ पर भी फिक्स है, लेकिन यहाँ ऊपर जो हेडिंग के रिस्पेक्ट से इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है, वो नीचे हॉरिजेंटली भी वैसे ही चलेगी और वर्टिकली भी वैसे ही चलेगी। यही वजह है कि यहाँ पर फर्दर स्पेस मौजूद है, जो हमारा स्टैंडर्ड है। जब आप एक्सेल पे भी काम करते हो तो ऐसा नहीं होता कि ऊपर वाले सेल का साइज कुछ और उसके नीचे कुछ और, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जो हेडिंग बनाओगे उसी रिस्पेक्ट से साइज नीचे की तरफ चलेगा, यही टेबल का एक स्टैंडर्ड है। लिहाजा इस चीज़ के लिए मैं दोबारा ड्रीम वीवर पर चलता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद हम लिखते हैं सेल। तो सेल पैडिंग, सेल स्पेस, ठीक है, यहाँ पर मौजूद है, तो मैं सेल पैडिंग लेता हूँ और इसको मैं स्पेस देता हूँ अभी 5, कंट्रोल एस करता हूँ, और इस वक्त ये वही चीज़ है जो प्रीवियसली मौजूद थी। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसमें चेंजेस होंगी, लिहाजा मैंने स्पेस किया, और आप देख रहे हो कि पैडिंग विच मीन इंटरनल स्पेस। जब मैं पैडिंग की बात करता हूँ तो इसका मतलब है जिस बॉक्स के अंदर या जिस कंटेनर के अंदर वो डेटा मौजूद है उसके चारों डायमेंशनल से क्या स्पेस आएंगे। ऑल दो हम डायमेंशनल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो सी एस एस में पॉसिबल है, एच टी एम एल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इस वक्त हम एच टी एम एल के एट्रीब्यूट के जरिए से वो काम कर रहे हैं जो नॉर्मली सी एस एस के जरिए मुमकिन है। तो ये पैडिंग का ऑप्शन हो गया, इसी तरह हम आगे चलते हैं, और इसके बाद सेल स्पेसिंग मौजूद है यहाँ पर कि सेल के दरमियान स्पेस क्या होगा। मैंने 5 लिखा, विच मीन 5 पिक्सल स्पेस। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ और ब्राउजर पे वापस आता हूँ। ये प्रीवियस रिजल्ट है, मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, और अब आप देख रहे हो कि सेल के दरमियान भी स्पेस आ चुका है। ये जो स्पेस है वो सेल के दरमियान है। ठीक है, सी डबल एल सेल, जो कि एक्सेल के अंदर भी हमने पढ़ रखा है कि जो जहाँ पर आपका एक स्पेसिफिक डेटा मौजूद है जिस ग्रिड में या जिस बॉक्स के अंदर, हम उसे क्या कह रहे होते हैं, सेल कह रहे होते हैं। इसी तरह बैकग्राउंड भी हमने देख लिया, लिहाजा मैं बैकग्राउंड को दोबारा ऐड करवा लेता हूँ, और इस दफा हम इमेज दूसरी ले लेते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ी एडवांस लेवल की टेबल थी जिसके अंदर हमने थोड़ी सी एट्रीब्यूट्स को भी ऐड करवाया और टेबल हेडिंग को भी लेकर आए। ठीक है, जिसके अंदर हमने ये देखा कि इमेज किस तरह से ऐड होगा, सेल पैडिंग किस तरह से ऐड होगा, और फर्दर चीज़ें किस तरह से ऐड होगी। सबसे पहले हमने एक बेसिक टेबल देखा था, देन उसके बाद हमने टेबल हेडिंग, टेबल फूटर, ठीक है, और टेबल डेटा के जरिए से लॉन्ग टेबल जनरेट की, एंड फाइनली हमने पहले वाली ही टेबल को मजीद इन्हेंस किया इन टर्म ऑफ यूजिंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML। That's it.